खेल के मैदानों से बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में शामिल टीम कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर इंजरी के बाद PSL से बाहर हो गए हैं। हेडलाइन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में मुश्किलात में घिरी कराची किंग्स टीम की मुश्किलात उस वक्त और भी बढ़ गई जब उसके फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर और मोहम्मद अलियास पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैच से आउट हो चुके हैं। मुसलसल 3 मैच हारने वाली कराची किंग्स के बैटर जो क्लार्क भी फिटनेस मसाइल का शिकार है। कराची किंग्स की इंतजामिया का बताना है कि मोहम्मद आमर जो पहले ही साइड स्ट्रेन का शिकार थे अपने रिहैब के दौरान बैक इंजरी का शिकार हो गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो चुके हैं। वादे रहे कि मोहम्मद आमर पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक कोई भी मैच नहीं खेल सके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दोनों प्लेयर्स के अनफिट होकर टूर्नामेंट से आउट होने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि उनका मुतबादल प्लेयर का ऐलान जल्द किया जाएगा।